होली के बाद विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सदन काफी हंगामेदार चल रहा है। आज की कार्यवाही में विधानसभा में 60-40 नए चल तो 1932 की भैलो का नारा गूंज रहा है। बीजेपी के विधायक वेल में जाकर विरोध कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच स्पीकर सदन को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि विपक्ष ने हंगामे के साथ दिन आगाज किया था। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा मुख्य द्वार पर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। देखिए, झारखंड की आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी है, और रोजगार सृजन के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर यह सरकार चुन करके आई थी। 3 साल बीत गए, अभी तक स्पष्ट नियोजन नीति नहीं होने के चलते पूरे प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है। वर्तमान में नियोजन नीति जो ये सरकार पिछले दरवाजे से लाने का प्रयास कर रही है, इसमें 40% लोगों के लिए ओपन ऑफ ऑल, 1932 के खतियान के बात करने वाले सरकार 1985 के बैरियर को भी जो हटाने का काम कर रही है, यह झारखंड के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो ट्रेंड चला है 60-40 का, कि 40 और 60 नहीं चलता हो, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के इस ट्रेंड के साथ है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आप 1932 जब विधानसभा से सर्वसम्मति से पास कराए थे, तो किसके कहने पर, किसके सहमति से, कैसे आप लोगों ने 40% युवाओं के लिए, देश भर के लिए दरवाजा खोला है, यह झारखंड के युवा आपसे आज पूछना चाहता है, जानना चाहता है। और यह नीति कदापि भी झारखंड में लागू नहीं हो सकती है। 40% लोगों के लिए अगर देश भर के लिए दरवाजा खोलेंगे तो झारखंड में आग लगेगा। हम मूलवासी, हम यहाँ के आदिवासी, हम यहाँ झारखंड के रहने वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे। झारखंड सरकार का चूल हिला देंगे, चूल हिला देंगे। ये जो पांडे सिंह बोल रही है, आईटी सेल के जरिए जो है बीजेपी ट्रेन चाहती कि युवाओं को नौकरी। दीपिका पांडे सिंह जी के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो कहाँ है पहले उनको पता करना चाहिए। वो इंडिया में है कि नहीं है? अगर इंडिया में नहीं है तो ये तो विदेशी और बाहरी वाले लोग ही है। इनकी कोई झारखंड के प्रति सहानुभूति नहीं है। झारखंड पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, ये झारखंड को लूटने के लिए यहाँ आए हुए हैं, झारखंड को बनाने के लिए नहीं आए हैं। झारखंड की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, और आज झारखंड अगर कोई चलाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही चला सकती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।